मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीक में जो लेक्चर था एप्लीकेशंस ऑफ आयलर लैग्रांज इक्वेशन, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन था सिंपल पेंडुलम, वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा हुआ था, तो उस बचे हुए लेक्चर को हम पूरा करते हैं। सो स्टूडेंट, ये एक सिंपल पेंडुलम है और हमने इस सिंपल पेंडुलम के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, फाइनल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो इसके बारे में सब कुछ प्रिडिक्ट कर सके। तो एलिमेंट्री क्लासेस में हमने उसको ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग आयलर लैग्रांज इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि लैग्रांजियन लिखने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इज काइनेटिक एनर्जी विज पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम ये दोनों कैलकुलेट कर चुके थे। द काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस सिंपल पेंडुलम वाज हाफ एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, थीटा डॉट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा, एंड डियर स्टूडेंट m is the mass of the ball, v was the potential energy which was mgl 1 minus cosine of theta। ये हमारे पास कैलकुलेट हम कर चुके थे। अब इसके लिए बच्चों लैग्रांजियन लिखेंगे, सो l इज t माइनस वी, मीन्स दिस टर्म माइनस दिस टर्म, सो हाफ m l स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस एम जी एल 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। एंड स्टूडेंट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए जो लग्रांजियन इक्वेशन था हमारे पास, दैट वाज डी बाई डी टी करली एल बाय करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू आई इक्वल्स जीरो। यहां बच्चों क्यू आई है हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और क्यू आई डॉट है हमारा जनरलाइज्ड वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, इन दिस एक्सप्रेशन थीटा इज आवर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड थीटा डॉट इज आवर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, हमें चाहिएगा ये इक्वेशन लिखने के लिए करली एल बाई करली क्यू आई डॉट एंड करली एल बाई करली क्यू आई। सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे लिए ये जो चीज है, दिस ब्रैकेट टर्म बिकम्स करली एल बाई करली थीटा डॉट। एक तो हमने इसके से थे साथ जो है आई लगाया हुआ है, इसके साथ आई नहीं लगाया। रीजन, अगर मान लीजिए बहुत सारे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हरेक के लिए ये इक्वेशन बच्चों अलग अलग लिखी जाएगी। इस क्वेश्चन में, इस सिस्टम में हमारे पास एक ही जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है तो एक ही लग्रांजियन इक्वेशन हम लिखेंगे। ये आई लगाने का मतलब है बच्चों, ये एक इक्वेशन नहीं है, जितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं उतने ही ये इक्वेशंस हैं, तो इट इज ए सेट ऑफ इक्वेशंस, ऐसा आप कह सकते हैं। कर्ली एल बाय कर्ली थीटा डॉट इज द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ लग्रांजियन विद थीटा डॉट। इसका मतलब है बच्चों, एल का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब चीजों को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस एक्सप्रेशन फॉर एल, ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है जब आप ये करेंगे तब, क्योंकि थीटा डॉट सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, तो ये तो पीछे का सब जीरो बन गया। इसका आएगा बच्चों हाफ एम एल स्क्वेयर टू थीटा डॉट। बच्चों दो से दो कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट। अभी हमें चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इन दिस एक्सप्रेशन द जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा, सो करली एल बाई करली थीटा इज
हमें इसे अब कांस्टेंट मानना है क्योंकि इसमें थीटा नहीं है। ये बच्चों जो टर्म है हमारी, इसको आप ऐसे लिख दें, कर्ली वाई कर्ली थीटा ऑफ माइनस एम जी एल प्लस एम जी एल कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। इसमें थीटा नहीं है तो इसका डिफरेंशियल जीरो। इसमें आएगा बच्चों एम जी एल माइनस का साइन थीटा, दिस इज कर्ली बाई कर्ली एल बाई कर्ली थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को अब इस इक्वेशन में हमने यूज करना बच्चों। सो डी बाई डी टी ऑफ दिस एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट माइनस, अब इसको हम करेंगे तो प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका सेकेंड डेरिवेटिव एम एल स्क्वेयर थीटा डबल डॉट मींस द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स जीरो। नाउ स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय एम एल स्क्वेयर, एम एल स्क्वेयर से आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आएगा बच्चों थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल इक्वल से जीरो। अब यहां पे बच्चों हम एक अजम्पशन लेंगे, वैसे इस प्रॉब्लम में कई सारे अजम्पशन हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से अजम्पशन हैं, ठीक है। फिलहाल हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, क्या इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्मॉल, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्मॉल, इसका मीनिंग समझिएगा बच्चों, मीनिंग क्या है। डियर स्टूडेंट, पिछली बार जब मैंने डायग्राम बनाया तो तब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन डायग्राम मैंने वही बनाया जो बुक में था, लेकिन उस डायग्राम के बारे में मैंने आपको एक प्रिकॉशंस के बारे में बताया था कि वो डायग्राम आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उस डायग्राम में आपने देखा था कि पेंडुलम का जो एक किनारा था जहां तक वो जाता है उस एंगल को लिया हुआ था थीटा। तो डायग्राम हमें क्या कंफ्यूज कर सकता है कि पेंडुलम थीटा एंगल तक ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। अब इस डायग्राम को देखिए, दिस इज द मॉडिफाइड डायग्राम, पेंडुलम जाएगा थीटा नोट तक और इस थीटा नोट का नाम है बच्चों एम्पलीट्यूड और यह है कांस्टेंट। जब मान लीजिए आप झूला झूलते हैं तो जो सबसे किनारे पर आप पहुंचते हैं, जिस लास्ट पॉइंट तक आप पहुंचते हैं, उसने कितना एंगल बनाया आपकी मीन पोजीशन के साथ, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और हमारे एक्सप्रेशन में जो थीटा आया है, दिस थीटा इज डियर स्टूडेंट इस एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन के बीच का कोई भी एक एंगल आपने अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरिली सेलेक्ट किया है, ये वो थीटा है। एंड दिस थीटा, देखो जैसे मैंने यहां तक बनाया हुआ, ये दिस थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए हम लिखते हैं थीटा डॉट, थीटा नोट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट जीरो। क्लियर नॉट क्लियर बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स डेरिवेटिव जीरो बिकॉज दिस इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, बट दिस इज ए नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
सो इसका टाइम डेरिवेटिव नॉन जीरो रहेगा। अच्छा भाई, अब ये मैंने बोला इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्मॉल, इट मींस दिस थीटा नॉट इज स्मॉल। और यहां स्मॉल का मतलब क्या है? यहां स्मॉल का मतलब है दिस थीटा नॉट मस्ट बी लेस देन 10 डिग्री। ओके, ये लगभग 10 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, इस अजम्पशन को लेने से फिर क्या होगा? तो हम इस अजम्पशन को लेंगे तो हम ये कह सकते हैं देन साइन थीटा इज नियरली थीटा। ओके बच्चों, साइन थीटा मस्ट बी नियरली थीटा। और यहां एक और बात ध्यान रखना है बच्चों, थीटा इज इन रेडियन। मान लीजिए आपने थीटा को ले लिया 0.1 डिग्री, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन 0.1 डिग्री इज 0.1। यू हैव टू कन्वर्ट 0.1 डिग्री इंटू रेडियन, देन यू कैन अप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी थीटा डबल डॉट प्लस जी बाय एल थीटा इक्वल्स जीरो। ठीक है, नाउ इक्वेशन 4, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM की इक्वेशन है बच्चों हमारे पास थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स जीरो। ये स्टैंडर्ड एंगुलर SHM की इक्वेशन है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो बच्चों थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट, कांस्टेंट कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल क्या है? थीटा। तो हम कह सकते हैं कि दिस फ्रॉम दिस टू इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल एंड ओमेगा इज जी बाय। ठीक है स्टूडेंट, अगर ओमेगा जी बाय एल है तो ओमेगा को हमने बच्चों 2π/T पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन है जी बाय एल रूट, एंड स्टूडेंट टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल बाय जी। ये आपने ड्राइव किया था आपकी एलिमेंट्री क्लासेस में बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ, एंड नाउ आई एम यूजिंग आयलर लैग्रांज इक्वेशन एंड वी गेट द सेम फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब यहां दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली मैंने क्या बताया था? अजम्पशंस। जगह है नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, ठीक है, सुन लेना ध्यान से क्या क्या अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन, एयर का कोई इफेक्ट नहीं है सिंपल पेंडुलम पे, ठीक है। दूसरा अजम्पशन, दिस स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस यानी इसका मास इस बोब के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इनएक्सटेंसिबल मींस बच्चों इसकी लेंथ बदलेगी नहीं टाइम के साथ, ये लेंथ क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है। और एक अजम्पशन जो हमने अभी यूज किया, क्या? थीटा शुड बी स्मॉल। ये सारे अजम्पशंस हमने इस टॉपिक के बाद लिखने हैं। ओके, चलिए अब दूसरी जरूरी बात इस टॉपिक के बारे में क्या है प्यारे बच्चों, ये ओमेगा इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता हूं बच्चों। इस ओमेगा का नाम किसी को मालूम है क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। बहुत अच्छे, और कोई नाम बताएगा इसका? यही कंफ्यूजन था, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। क्या हमारे दिमाग में यह बात तो नहीं किसी के में
कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज़ होती है, दोनों प्यारे बच्चों अलग अलग चीज़ होती है। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दो कारणों से। एक कारण तो यह है कन्फ्यूजन का कि ओमेगा जो है दोनों का सिंबल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी हम ओमेगा से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को भी। दूसरा एक कन्फ्यूजन का कारण और है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये दोनों बराबर होते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पर और बताऊंगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ये है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना, 2π को टाइम पीरियड से डिवाइड करना, दैट विल बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt, ये है हमारे पास बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका डेफिनेशन अलग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो ओमेगा है हमारा 2π/T, अभी हमारे पास आया, विच इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ओमेगा g/L, जी की वैल्यू 9.8 फिक्स है, एल मैंने फिक्स कर रखा है, तो ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। अब ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt, ये इसमें कहाँ है प्यारे बच्चों, एंगल कितने तेजी से बदलता है वो है हमारा ओमेगा नीचे वाला, और ये ओमेगा इस पॉइंट पे जीरो है, क्योंकि इस पॉइंट पर जब ये आता है तो एंगल चेंज होता ही नहीं है। नहीं समझ में आई बात, या इसको आप ऐसे समझो कि इस पॉइंट पे हमारा जो थीटा है वो मैक्सिमम है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, और कोई भी जब मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटी होती है उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये जीरो है। तो ये ओमेगा बच्चों हर पॉइंट पे अलग अलग है। आप एक तो यहां से बच्चों यहां आओ, एक यहां से यहां आओ, एंगल यहां तेजी से बदलेगा, यहां धीरे बदलेगा, तो यहां ओमेगा ज्यादा है नीचे वाला, और यहां ओमेगा कम है, और यहां ओमेगा जीरो है, और ये वाला ओमेगा सब जगह सेम है, आप कहीं भी हो। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर पर? तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, विच वी मस्ट हैव टू बियर इन आवर माइंड, कि दीज टू ओमेगाज आर डिफरेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गलती से एंगुलर वेलोसिटी मत लिख देना। इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ये समाप्त हुआ, नोट कर सकते हैं। थैंक यू।